भोपाल में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। थाना ईंटखेड़ी की घटना, पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, चरित्र संदेह के शक पर पत्नी के टुकड़े कर उसको जलाया दफनाया। ईंटखेड़ी अरवलिया जोड़ कचरा खंती पर महिला की बॉडी के 14 टुकड़े अलग अलग मिले खेत में। 22 मई को महिला की गुमशुदगी दर्ज हुई थी निषादपुरा थाने में। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर भेजा जेल। हमारे घर की बेटी जिसको उसके आदमी ने मारा है, 21 तारीख को घर से लेके गया था कि चाइना बाजार पे मुझे मिलने के लिए। जब वो चाइना बाजार मिलने गई तो उसको अपने घर ले जाके उसको वहाँ मारा पीटा और वहाँ पे बरहाना करके उसका पूरा है ना जुलूस निकाला मोहल्ले वालों के सामने, और फिर उसके टुकड़े करके और वहाँ पे ना काली मिट्टी के खदान में ले जाके जला के और उसको वहीं दफन कर दिया। और वहाँ से उसके है ना सर को पुलिस वालों को बॉडी पार्ट भी मिले। और ये कांड उसने 21 तारीख को ही करा था और हमारी रिपोर्ट 22 तारीख को लिखी गई है। और जब हमें ये बात 23 तारीख को पता चली, हम जब से पुलिस वालों से कह रहे हैं कि सर ऐसा हुआ है, सर ऐसा हुआ, मगर वो ये कहते थे कि जब कोई हमारे हाथ में प्रूफ नहीं है तो हम क्या करेंगे। और इस बारे में अभी तक भी रिपोर्ट नहीं लिखी। और अभी इस लड़की का जुलूस निकाला गया है, इस बारे में रिपोर्ट नहीं लिखी इन्होंने। सिर्फ वो तो बयान ले रहा है, जो लड़के ने बयान दिए उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों की बात ही नहीं सुन रहा, बिल्कुल ही बात नहीं सुन रहा कि हम लोग बता रहे हैं उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, पहले उसको मारा है फिर जलाया है, लेकिन ऐसी नहीं, बस जो लड़के ने कार्रवाई मतलब जो मुजरिम ने कह दिया वो मान लिया उसको। जिनकी हत्या हुई उनका नाम क्या है? उनका नाम सानिया है। और जो उनके हस्बैंड थे उनका नाम क्या है? नदीम मुन्ना नाम है उसका। नदीम 2 साल की बच्ची थी, 2 साल की बच्ची मतलब जल के मर गई। तो किसकी भी वाला हमारी बहन की लड़की थी, जो अभी इसका हत्या हुई है अभी, उसकी बहन की लड़की थी, लेकिन वो मानता था कि हमारी बहन नहीं मारा ये कह के उसको मारता था, टॉर्चर करता था, ठीक है ना। फिर अभी 21 तारीख के दिन उसका फ़ोन आया, कहला आ जाओ, क्या नाम मीना, वो क्या नाम है, चाइना सेल के अंदर हम बात करने मतलब बात करना है। चाइना सेल पर आके लेके गया वो, उसके बाद अल्लाह हमारी बच्ची घर नहीं पहुँची। जब वहाँ जाके हमने मोहल्ले वालों से पता करा तो वहाँ पता चला कि इसने मतलब वायर हाई ना करके उसका जुलूस निकाला। जुलूस निकालने के बाद उसको घर में ले आ गए। दामाद का नाम क्या आपके? मुन्ना। और लड़की का नाम सानिया? सानिया। तो ये बात कितनी टाइम पुरानी है जी कि उसका जुलूस निकाला गया था? ये 21 तारीख की रात की बात है, हमें 21 तारीख को दिन में पता, मतलब 12 बजे ले गया था वो, लेकिन उसने मतलब हत्या को अंजाम 21 तारीख की रात में दे दिया था। हमें 22 तारीख को मतलब 23 तारीख को पता चला, हमने 22 तारीख को रिपोर्ट करी थी। पुलिस वाले कह रहे थे कि रिपोर्ट 24 घंटे बाद होगी, लड़की बाली के मतलब किसी के साथ चली नहीं गई हो चक्कर। जब हम आया के पता करा तो वहाँ कहला के मतलब उसका मतलब मकान। मैडम, थाना ईंटखेड़ी क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली है, क्या पूरा मामला है? कुछ अवशेष के टुकड़े मिले हैं? जी हाँ, ये सूचनाकर्ता मोहम्मद वसीम द्वारा अपनी पुत्री सानिया उम्र 21 वर्ष के गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना निषादपुरा में दर्ज कराई गई थी, जिसके गुम इंसान की जांच पर निषादपुरा पुलिस को ये तथ्य ज्ञात हुआ कि सानिया की पति नदीमुद्दीन द्वारा, जो कि परेवा खेड़ा का रहने वाला है, ड्राइवरी मजदूरी का काम करता है, इसके द्वारा 21 तारीख को अपनी पत्नी को परेवा खेड़ा घर पर बुलाया गया। इसी दौरान इनके बीच में वाद विवाद हुआ और अपनी पत्नी के चरित्र को लेके शंका जाहिर की गई और लड़ाई झगड़ा हुआ, जिस दौरान नदीमुद्दीन द्वारा सानिया का गला घोटकर हत्या कर दी गई। उसके बाद उसे एक ऑटो में बोरी में भरकर ऑटो में ले जाकर अरवलिया जोड़ के पास कचरा खंती में जलाया और अधजली लाश को गड्ढा खोदकर दफनाने की कोशिश की। पुलिस द्वारा ये सारी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र की तलाशी और उत्खनन का कार्य किया गया, जिसमें कुछ अवशेष मिले हैं जिन्हें पोस्टमार्टम और डीएनए हेतु भेजा गया है। और इसके बाद पुलिस द्वारा इसमें तुरंत ही 0 पे मर्ग कायमी और धारा 302-201 के तहत अपराध कायमी कर थाना ईंटखेड़ी भेजा गया है। इसमें हमारे द्वारा इसमें असल कायमी कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? आरोपी ड्राइवरी मजदूरी का काम करता है, परेवा खेड़ा का रहने वाला है। लड़ाई झगड़ा किस बात को लेके होता था? इन दोनों पति पत्नी के बीच में साथ में नहीं रहने को लेकर पहले से वाद विवाद था और घटना की रात्रि अपनी बीवी के चरित्र को संदेह के कारण इनके बीच लड़ाई झगड़ा और मारपीट हुई थी।